नमस्कार, इंडिया न्यूज क्राइम ब्रांच में एक बार फिर से मैं आपके साथ शोभना यादव स्वागत करती हूं आपका इंडिया न्यूज के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं एक ऐसी खबर आपके लिए लेकर आई हूं जिसमें देश की सुरक्षा से जुड़ा सबसे बड़ा मामला है और पाकिस्तान और चाइना से भी जुड़ा हुआ ये मामला है, अमेरिका तक इसके तार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे क्राइम एडिटर रवि शर्मा भी आज मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि क्या बुरा प्रभाव इस पूरी साजिश का हिंदुस्तान की सुरक्षा पर हो सकता है। रवि, हम लोग बात कर रहे हैं ब्रह्मोस का, ये जो मामला आ रहा है, अगर हम ब्रह्मोस की बात करें तो जब रशिया के साथ ये डील हुई थी तो कई देशों के पेट में दर्द हो गया था। चाइना की बात कर लीजिए, पाकिस्तान की बात कर लीजिए, क्योंकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम था ये। बिल्कुल, और खबर यही है इसके अंदर कि ब्रह्मोस का डिजाइन लीक होने का शक है। सिलसिले में DRDO के एक वैज्ञानिक को ATS ने UP की गिरफ्तार किया है। ये यंग साइंटिस्ट था, अवार्ड विनर था और प्रोडक्शन यूनिट को हेड कर रहा था, यानी इसके पास वो सारी एक्सेस थी उस सूचना तक जो ब्रह्मोस बनाने के काम आती और है। रवि, हैरानी की बात ये है जो इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा हैरत हो रही है कि उसके घर के कंप्यूटर में इसके डिजाइन मौजूद थे और एक वही हनी ट्रैप करके किसी लड़की ने, दिल्ली में एक एजेंट मौजूद थी, उसने इसको फंसाया चैटिंग के जरिए और ये अपनी सारी, मतलब देश के साथ ही गद्दारी करने के लिए आदमी तैयार है। बिल्कुल, अभी तक जो भी कुछ सामने आया है पड़ताल में उसमें यही लग रहा है कि ये मामला देश के साथ गद्दारी का है। निशांत अग्रवाल नाम का ये जो वैज्ञानिक है, इसके घर पर रेड की गई, इस पर बाकायदा सर्विलांस किया गया था काफ़ी समय से और पता लग रहा था कि ये फेसबुक के जरिए हनी ट्रैप में फंसा हुआ है, सूचनाएं उस लड़की तक पहुंचा रहा है जो कि एक पाकिस्तानी एजेंट थी, ISI की एजेंट थी, और उस तक इसने, ऐसा शक है अभी ATS को कि डिजाइंस भी पहुँचाए। और ये शक इसलिए है क्योंकि जब इसके घर पर रेड डाली ATS ने तो इसके पर्सनल कंप्यूटर से बाकायदा डिजाइंस हासिल हुए हैं ब्रह्मोस के और इससे जुड़ी और बहुत सारी गोपनीय जानकारी, जो दस्तावेज इसके पास नहीं होने चाहिए थे वो इसके कंप्यूटर में मौजूद थे और इसी से लगता है कि शायद ये सब लीक हो चुका और इसी लड़का मचा बस। और आप ये समझिए कि ब्रह्मोस जो है, और ये भी इसने खुलासा किया है अपनी पूछताछ में कि पाकिस्तान को ये मुहैया करा रहा था ये सारी जानकारी और पाकिस्तान ये सारी जानकारी अमेरिका को मुहैया करा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जब से रशिया के साथ ये हमारी डील हुई है रवि, ब्रह्मोस को लेकर अमेरिका की हमेशा नजर, क्योंकि बहुत ही एडवांस सुपरसोनिक, पानी से आप इसको छोड़ सकते हैं, पनडुब्बी से, जल थल, मतलब कोई ऐसी जगह नहीं, और सुखोई के साथ तो इसका डेडली कॉम्बिनेशन। जी बिल्कुल, और जब से इसका सुखोई के साथ में परीक्षण किया गया है उसके बाद से इसकी मारक क्षमता को देखकर पूरी दुनिया हैरान है, क्योंकि ये बहुत ही अपने क्षेत्र में बहुत ही शानदार एक मिसाइल है। आवाज़ की गति से 2.5 गुना तेजी से चलती है, ये टारगेट को हिट कर सकती है किसी भी तरह का और बहुत सटीक है, करीब 900 किलो तक ये वॉरहेड अपने साथ ले जा सकते हैं, यानी दुश्मन के लिए तबाही है ये अपने आप में मिसाइल। और अगर भारत की शान ब्रह्मोस, जिसे कि रशिया के साथ मिलकर हमने डेवलप किया था, ये अगर लीक हो जाती है, पाकिस्तान के हाथ लग जाती है जिसने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बना रखे हैं जो कि छोटे मारक क्षमता वाले परमाणु हथियार होते हैं लेकिन वो विध्वंस बहुत बड़ा कर सकते हैं, अगर इस तरह की चीज़ें लीक होती हैं तो ये बहुत बड़ी साजिश देश की है। और रवि, आपको पता है एक और महिला साइंटिस्ट भी अरेस्ट हुई है, हालांकि इसको अभी रिमांड पर ले लिया गया है और जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं वो जुटी हुई हैं कि ये तार आखिर कितनी दूर तक, कहाँ तक फैले हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़ा समझौता, और एक भारतवासी करता है तो कहीं ना कहीं देश के हर आदमी के मन में दुख जरूर पैदा होता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो जाती है, ऐसा क्या आप हनी ट्रैप के चक्कर में आ जाते हैं कि आप देश की सुरक्षा को वो करने लगते हैं। जी बिल्कुल, कुछ दिन पहले की बात है शोभना, एक और CISF के सिपाही को गिरफ्तार किया था ATS ने ही और उस पर भी यही शक था कि हनी ट्रैप के जाल में फंसकर वो बाकायदा जो खुफिया जानकारी थी वो सब पहुंचा रहा था। इससे पहले एक एयरफोर्स के ग्रुप कमांडर को पकड़ा गया था, माफ कीजिएगा, ग्रुप कैप्टन को, वो भी इस तरह की सूचनाएं दे रहा था। तो हनी ट्रैप पाकिस्तान की तरफ से होने वाली, ISI की तरफ से होने वाली सबसे बड़ी साजिश है और इसका प्रभाव जो है, इसका असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो बहुत ही चौकस रहने की जरूरत है हमारी सुरक्षा एजेंसियों को। बिल्कुल, और नजर रखने की जरूरत है हर उस वैज्ञानिक पर जिसके अकाउंट में कहीं से भी पैसा बहुत जल्दबाजी में और आता है, जिसका कोई हिसाब खाता नहीं होता है, क्योंकि एक तो हवाला के जरिए डीलिंग होती है, लेकिन एक रवि इसमें नई चीज देखने को आ रही है कि किसी ना किसी कोई कंपनी ऐसी फर्जी खोली जाती है और उससे वो मनी ट्रांसफर होता है। जी बिल्कुल, ये तमाम जांच का विषय है और इस पर ATS लगातार जांच कर रही है। जो लैपटॉप इसका बरामद किया था, जो हार्ड डिस्क थी इसके कंप्यूटर की, इस निशांत अग्रवाल नाम के वैज्ञानिक की, ये भी बाकायदा CFL के पास भेजी गई है। जो डेटा उसमें से डिलीट किया गया उसको रिट्रीव करने की कोशिश हो रही है। तो शोभना, मुझे लगता है अभी और बहुत सारे खुलासे इस केस में बाकी हैं और इसके तार बहुत दूर तक जुड़े हुए होंगे और वो जो जैसे ही वो अपडेट आएगा रवि, वो भी हम लेकर आएंगे। फिलहाल इंडिया न्यूज के क्राइम ब्रांच के यूट्यूब चैनल पर मेरे और रवि के साथ इतना ही। एक बड़े अपराधी, एक बड़ा रिकॉर्ड लेकर हम जल्द ही फिर लौटेंगे।